शुरुआत कासगंज की खबर के साथ, जहां एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। घटना सोरो थाना क्षेत्र के होडलपुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही दो पक्षों में लंबे अरसे से विवाद चला रहा था, इसी वजह से एक ही पक्ष के लोगों ने अवैध तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल बताया गया है। फिलहाल घायल शख्स को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। 6 से 7 अभियुक्त जो है वो हमने पकड़ लिए हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है, और उनसे जो उन्होंने जो असला है उससे फायर किया था वो भी बरामद कर लिया गया है, और जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है, और पूरा जो यहाँ पे गांव में स्थिति है वो नियंत्रण में है। हम मौके पे मौजूद है और हमने फोर्स घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2-3 अलग तरह की रंजिश उन्होंने बताई है। पिछले साल भी मुकदमा हुआ था, एक मर्डर हुआ था लास्ट ईयर जिसमें एक लड़का और लड़की का, जिसमें कुछ पक्ष जेल गया था। तो उन्हीं सब घटनाओं का मिला जुला यह नतीजा था कि आज ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है, और जितने भी लोग इसमें अक्यूज थे सब पुलिस की कस्टडी में हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। लोमस, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? सबसे बड़ी बात ये कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक सामने निकल के आ रही हैं, उसके बाद सवाल यही कि आखिर यूपी पुलिस कर क्या रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, लगातार जो यूपी पुलिस पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं, या फिर विपक्ष के तरफ से हो या फिर पीड़ित के परिवार के तरफ से हो, कि यूपी पुलिस कर क्या रही है। और लगातार इस तरह की घटनाएं अपराधी अंजाम देते हैं, और अपराध देने के बाद वो आराम से समाज में घूमते हुए नजर आते हैं। अब देख सकते हैं कासगंज की घटना आप लेकर के चल सकते हैं, जिस तरीके से एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अपराधी आराम से घूमते हुए नजर आते हैं, और वो उनको किसी प्रकार का ना तो पुलिस का डर है, ना ही किसी प्रकार का उनको ये डर है कि पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि एक साल पहले का रंजिश का ये पूरा मामला था। एक साल पहले भी परिवार के किसी सदस्य की हत्या की गई थी, और उसके बाद भी ये मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और लगातार पुलिस दूसरे भी अपराधियों को तलाशी के अभियान चलाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो 8 लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है, और जल्दी कहा जा रहा है कि अपराधियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो जाएगी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो आपराधिक कनेक्शन है वो काफी पुराना है, और लगातार उसके तार कई और लोगों से जुड़ते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल लोमस, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, एक साल पहले से पूरा विवाद चला आ रहा है, पता लग पाया वजह क्या थी इस विवाद की शुरू होने की? देखिए फिलहाल क्योंकि पुलिस पूरे मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और साथ ही परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं और जो 3 सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है उनसे जुड़ा हुआ पूरा मामला था, और लगातार पुलिस परिवार के सदस्य, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो पुलिस के सामने पूरी बातें रख सकें, लेकिन पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही है, पूरे मामले को समझने की यहाँ कोशिश की जा रही है, आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार का ये रंजिश था, या फिर ये जमीन को लेकर रंजिश था, या फिर दूसरे चीजों को लेकर रंजिश था, इसको यहाँ पे पुलिस के द्वारा समझने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें जो 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। मौका है वारदात पे जिस समय ये घटना हुई थी, देर शाम की ये घटना है कल की, और उसके बाद वहाँ के इलाके के DM, SSP और साथ ही IG मौके पे पहुंच गए थे, और लगातार जो पूरी घटना को लेकर के वहाँ पे लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि पूछताछ चल रही है, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि वजह आखिर इसके पीछे की क्या थी, जिसकी